हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने तक हम जो जो भी गलतियां करते हैं उन सभी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी मिस्टेक्स है जो अगर आप करते हो एग्ज़ाम के एक दिन पहले करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मिस्टेक के ऊपर कवर करने वाले हैं, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ये गलतियों पर ध्यान नहीं देते, कौन कौन सी गलतियाँ हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने से पहले ये पांच गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो पहली गलती क्या है? पहली गलती है, डोंट रीड टू मच बिफोर वन डे ऑफ एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया एक दिन पहले, अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही हो तो भी ठीक है, कम रही हो तो भी ठीक है, लेकिन अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जब आप साल के पूरे साल में कुछ नहीं कर पाए तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक दो घंटे पढ़ ले, पढ़ के क्या उखाड़ दोगे? आपको काम रहना है, शांत रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पेपर जैसा भी होगा अच्छा ही होगा और रिविज़न के ऊपर ध्यान देना है। नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो पढ़ लिया है बस वही इनफ है। नंबर टू, टेक प्रॉपर स्लीप एंड डाइट। दोस्तों, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको अच्छे से नींद लेके जानी है, क्योंकि अगर दिमाग अगर प्रॉपर काम तभी करेगा जब आप अच्छे से नींद लोगे और डाइट लेकर के जाओगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं, तो इस चीज़ से आपको बच कर के रहना है। और नाइट में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 10 बजे से पहले सो जाना है और सुबह जल्दी उठ जाना है और अच्छी डाइट लेकर जानी है। ऐसा नहीं आप फास्ट फूड जंक फूड खा के जा रहे हो, खिचड़ी बना ली और वो खा के चले गए उससे, और या फिर दाल बाटी खा के चले गए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। और हल्का खाना लेना है, फ्रूट खाने की कोशिश करनी है और अच्छे से नींद लेनी है और तभी पेपर देने जाना है। और तीसरी गलती है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन नहीं करना है कि तेरा पेपर कैसा हुआ, तूने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, मेरे को बता दे। ये डिस्कशन करोगे, कभी उसने ऐसा टॉपिक बता दिया जो आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी यार कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे दोस्त ने पढ़ा है कभी, यही अगर एग्ज़ाम में आ गया तो। इसलिए अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करनी है, आपने जो भी पढ़ा है अपने ऊपर भरोसा रखना है। और पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद भी डिस्कशन नहीं करना है कि इसका आंसर तूने क्या किया, इसका आंसर मैंने ये किया है। तो उससे क्या होगा, अगर आपका आंसर गलत निकला तो फिर आप दूसरे एग्ज़ाम के ऊपर आपका इसका असर पड़ेगा। आप सोचो यार मेरा तो ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मान लो आपका हिंदी का पेपर अच्छा नहीं गया, आपने दोस्तों के साथ डिस्कशन किया कि इसका आंसर तूने क्या लिखा, तो फिर इससे आपके अगले एग्ज़ाम पर अफेक्ट पड़ेगा। तो आपको डिस्कशन नहीं करना है, जैसा भी पेपर गया है बस छोड़ो उसको और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। और जो चौथी गलती जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के सेंटर पर 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। ऐसा नहीं आप 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो तो उससे यार ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम के दिन। और अगर आप लेट करते हो एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हो तो इससे उससे और भी ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए कोशिश करनी है 30 से 40 मिनट पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। जहाँ पर भी आपका सेंटर आए वहाँ पर 30 मिनट पहले आपको पहुँचना है, ठीक है ना, लेट नहीं होना है। और पांचवी टिप है कि गिव योर 200%। अब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेपर अटेम्प्ट करते समय किसी भी फालतू बात नहीं सोचनी है और अपना 200% देना है, तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा ही होगा। एक और बार मैं दोहरा देता हूँ कौन कौन सी वो पांच गलतियाँ हैं। एक तो आपको ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जो पढ़ा है उसी का रिविज़न करना है। और टेक प्रॉपर स्लीप एंड डाइट, डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, और रीच द सेंटर बिफोर 30 मिनट्स, और गिव योर 200%। आपका पेपर अच्छा ही होगा। और आप कौन से वीडियोस देखना चाहोगे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।